ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज की वीडियो उनके लिए जिनकी डाइवोर्स के रिगार्डिंग थोड़ी मतलब उनको डर लगता है, ठीक है। तो उनको डाइवोर्स के नाम से जिनको डर लगता है वो सोचते हैं और डाइवोर्स वाला डाइवोर्स डाइवोर्स, ठीक है। तो ये वीडियो उनके लिए, तो भैया ढंग से देखो, ठीक है भाई और बहनों ढंग से देखो। तो देखो क्या होता है डाइवोर्स, क्या है आपको पता है, दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक 13A और 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, म्यूचुअल और एक कंटेस्टेड। देखो म्यूचुअल की तो बात हम करेंगे नहीं, जब म्यूचुअल में दोनों राजी हैं तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हो ही जाएगा। बात है सारी कंटेस्टेड की, ठीक है। किसी को डाइवोर्स का नोटिस आ जाता है तो उसमें लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो उसको उसके रिगार्डिंग आपको ना पहली बात तो डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर कंटेस्टेड डाइवोर्स है तो पहली बात मैं आपको बता दूं, प्रूफ भी करना पड़ता है, ठीक है। सपोज आपने कोई ग्राउंड उठा लिया डाइवोर्स का, सपोज हस्बैंड को डाइवोर्स चाहिए और वाइफ को नहीं चाहिए, तो इसी को हम कंटेस्टेड डाइवोर्स बोलते हैं देखा जाए तो। यानी कि एक पार्टी राजी नहीं है तो उसी को हम कंटेस्टेड डाइवोर्स बोलते हैं, ओके। तो कोई भी नोटिस आ जाएगा तो ना लोग डर जाएंगे कि यार डाइवोर्स हो गया। पहले तो ना गोल्डन रूल सुन लो, ओके। गोल्डन रूल ये है कि अगर शादी के एक साल पहले अगर कोई डाइवोर्स का नोटिस आता है या कुछ भी आता है तो आप समझोगे यार वो फेक है, ओके। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ये बोलता है कि आप शादी से एक साल पहले डाइवोर्स का नोटिस नहीं भेज सकते, वो भी कंटेस्टेड डाइवोर्स, ठीक है। म्यूचुअल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ, ओके। वैसे तो लेटेस्ट जजमेंट आ रखे हैं म्यूचुअल डाइवोर्स पे, पर हम यहाँ बात कंटेस्टेड की कर रहे हैं, कंटेस्टेड डाइवोर्स की, ठीक है। तो क्या हो गया, सपोज आपको कोई नोटिस आ गया, ठीक है, तो लोग डर जाएंगे यार क्या होगा डाइवोर्स हो जाएगा ये है। तो देखो आपको डरने की जरूरत नहीं है पहली बात तो। अगर कोई नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई बनवाओ, ठीक है। उसमें जो ग्राउंड स्पेस किए हैं कि आपके साथ भाई इस किसी चीज़ को ग्राउंड बनाया है, तो उसको आप अगर सच है तो हाँ बोलो, गलत है तो उसको डिनाई करो, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट दो, आप अपनी अपना जवाब दो, ठीक है, ओके। तो डरने की जरूरत है नहीं। और मान लो कोई भी डिग्री पास हो भी जाती है, ठीक है। और एक तो ना एक लोगों के पास ये बहुत ऑप्शन होता है कि यार एक्सपार्टे। तो देखो यार एक्सपार्टे पता है क्या, एक्सपार्टे कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। एक्सपार्टे क्या होता है, सपोज कोई पार्टी अपियर नहीं हो रही तो कोर्ट हार थक के बोल देता है कि जो आ रहा है उसके फेवर में हम वो दे देते हैं। लेकिन एक्सपार्टे का ऑप्शन है, सेट असाइड करा सकते हैं, ठीक है। अगली पार्टी सेट असाइड करा सकती है, तो एक्सपार्टे कोई परमानेंट चीज़ तो है नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये निकाल दो अपने दिमाग से कि एक्सपार्टी डिक्री है तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसका ऑप्शन है सेट असाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग डर जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि सपोज डिग्री पास हो भी गई, ठीक है। तो देखो ऐसे मान लो डिग्री पास हो गई तो आपके पास 90 दिन का टाइम होता है, आप उसको अपील कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, ठीक है, अपर कोर्ट में, जो भी ज्यूरिडिक्शन बनता है उसमें आप अपील कर सकते हैं। तो आपको डरने की जरूरत है नहीं कि भाई ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी दे दिया कि भाई अब तो डाइवोर्स हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगली पार्टी अपील कर सकती है, ठीक है, अगर उस डिग्री में दोनों पार्टियों ने सहमति ना जताई हो। अगर मान लो दोनों पार्टियों ने सहमति जता दी है तब तो कोई अपील होगी नहीं। अगर एक पार्टी बोलती है कि नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है, तब अपील हो सकती है। तो अब जब सपोज आपको डिग्री मिल गई तब भी आप ये सोचो कि अभी आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, ठीक है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो आप वो कर सकते हो, अपील कर सकते हो, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, बहुत लंबा प्रोसेस है। क्या लगता है आपको नोटिस आते ही आप डाइवोर्स हो जाओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है और हर कोर्ट ना अपनी ना डिस्क्रिशनरी पावर यूज करता है फैमिली मैटर्स में। अब मैं आपको डिस्क्रिशनरी पावर बता देता हूँ एक्चुअली में क्या होती है। तो डिस्क्रिशनरी पावर वो होती है जैसे कि मान लो अब कोर्ट के पास मामला आया, ठीक है, अब कोर्ट को लगा कि यार वाइफ तो चाह नहीं रही डाइवोर्स और हस्बैंड चाह रहा है, ठीक है। तो कोर्ट देख लेती है भाई हस्बैंड थोड़ा एग्रेसिव टाइप का है, थोड़ा इसका जो नेचर है वो थोड़ा गर्म है, तो इन्होंने किसी और की बातों में आके डाइवोर्स डाल दिया वगैरह वगैरह, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर देती है, ठीक है, वो प्रूफ भी मांगती है भाई। तो इस चीज़ को ही हम डिस्क्रिशनरी बोलते हैं। उसको भी पता है कि हर फैमिली में छोटी मोटी लड़ाई होती है, तो इस रिगार्डिंग अब आप डाइवोर्स तो ले नहीं लोगे, ठीक है। तो ये है, तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है डाइवोर्स की। अगर कोई नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई बनवाओ, सिंपल से, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लाई बनवाओ। अगर आपको चाहिए डाइवोर्स तो उसके फेवर में बनवा दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसके अगेंस्ट में बनवा दो कि भाई ये सब झूठ है, मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए और बस ये सब झूठ बोल रहे हैं, बस बात खत्म। अगर आपका म्यूचुअल डाइवोर्स है उसकी तो हम देखो बात ही नहीं कर रहे, उसमें तो आपको पता है जब दोनों पार्टी राजी हैं तो हम ही क्या करें, ठीक है। तो उसको मैं आपको बता दूं उसमें भी 6 महीने लगा देती है कोर्ट, ठीक है। और डाइवोर्स केसेस में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ये नहीं है कि आपने आज नोटिस भेजा तो आपको अगली डेट पे वो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, प्रूव भी करना पड़ता है, ठीक है। हो सके क्या पता अगली पार्टी झूठ बोल रही हो, ओके, किसी को फंसा दिया जाए, समझ रहे हो ना आप। मान लो हस्बैंड को डाइवोर्स चाहिए और वाइफ को नहीं चाहिए, अब वाइफ बिल्कुल गुड फेथ में, तो उसको
ऐसे तो फंसाया भी जा सकता है ना, तो पहले प्रूफ होता है, सब कुछ होता है कि हाँ भाई क्या है, दोनों पार्टियों की बातें सुनी जाती है, कौन राजी है, फिर प्रूफ देखते हैं क्या है, सब कुछ देखा जाता है, ठीक है। फिर बच्चा है तो उसकी भी वो देखा जाएगा, वेलफेयर देखा जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, फैमिली कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा होती है, इनकी फैमिली मैटर्स में उसके पास बहुत ज़्यादा वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करता है, वो खुद चाहता है कि यार किसी का घर तबाह ना हो, ठीक है। छोटी मोटी लड़ाई सबके घर में होती है, तो डाइवोर्स से डरने की जरूरत नहीं है, चिल करो, ठीक है। फिर भी कोई आपको फर्दर डाउट है, आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी लिख सकते हो, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो गरीब अकबर के नाम से ही है, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर। चिल मैन, चिल।